वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आइकॉन के बारे में, जो कि आइकॉन नंबर 15 है। ठीक है, तो उसके लिए एक तो टेक्स्ट लिखना होगा और फिर यहीं से इसको सिलेक्ट कर देना होगा। ओके, और कैरेक्टर आइकॉन का डायलॉग बॉक्स कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, देखो। ठीक, तो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, देखो कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहीं से हम बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, ये देखो हो गया। फिर यहाँ से जो चुनेंगे वो हो जाएगा उसका इफेक्ट, ये देखो आ गया। ठीक है, उसका हम कैरेक्टर का चेंज कर सकते हैं इसमें। फिर मैं दूसरा चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ से जाके मैं इसको रेड कर दिया, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, ये था हमारा कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आइकॉन नंबर 15। थैंक यू।